आज आपने मुझसे सिंगोल के संदर्भ में प्रश्न पूछा। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या यह नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? इसलिए गांधी खानदान का खुद और खुद से संबद्ध लोगों को प्रेरित करना कि वो नए राष्ट्रपति भवन, नए जो पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन का विरोध करें, ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ वोट दिया बल्कि राष्ट्रपति जी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सतत राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आज वो उनकी दुहाई देते हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सिंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है, ये मेरा कांग्रेस के खिलाफ वक्तव्य है। कांग्रेस के लोग एक प्रश्न बार बार कह रहे हैं कि ठीक है राजनीतिक विवाद का विषय हम लोग उत्पन्न करें, ऐसा बीजेपी कह रही है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को आखिर बुलाया क्यों नहीं गया? मैं इतना ही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे, क्या छत्तीसगढ़, मणिपुर, इन सबसे संबंधित संवैधानिक भवनों का जब लोकार्पण हुआ उसमें क्या कांग्रेस पार्टी ने तब और तब की उनकी यूपीए की मुखिया ने संवैधानिक श्रद्धा गवर्नर अथवा महामहिम राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत की? आज विशेषतः सोनिया गांधी जी किस मुंह से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रही हैं, जब उन्हीं का आदेश था कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित सभी राजनीतिक दल द्रौपदी मुर्मू जी का बहिष्कार करें, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करें।